आज हम अपने भारत देश में आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं और कुछ भी खा पी सकते हैं। और हम सब यह भी जानते हैं कि आज से 75 साल पहले भारत ऐसा नहीं था। आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस गुलामी के दौर को अपनी आंखों से देखा और झेला था। और फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देशवासियों ने अपनी पहली आज़ादी की सुबह को महसूस किया। तो चलिए जानते हैं कि आज़ादी से एक दिन पहले भारत के लोगों की क्या हालात थे जब उन्हें पता चला था कि वह कल से एक आज़ाद भारत में सांस लेंगे। आज़ादी से पहले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कर दी गई थी, जिस कारण लोग आ जा रहे थे। बस सभी के मन में एक ही चाह थी कि वह जल्दी से जल्दी अपने मुल्क में पहुँच जाए। जब यह बात तय हो गई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी, तो 14 अगस्त को रात 11 बजे संसद की एक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें कि लोगों ने आज़ादी की जंग के दौरान शहीद हुए देशभक्तों के लिए एक मिनट का मौन व्रत रखा था। इसी रात को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। जब 15 अगस्त की सुबह हुई तो चारों ओर देश की आज़ादी को लेकर खुशी का माहौल था और जश्न मनाए जा रहे थे। भारत देश यहाँ पर पहले अंग्रेजों का झंडा लहराता हुआ दिखाई देता था। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले पर पहली बार तिरंगे झंडे को लहराया, जिसे देखकर खुशी के साथ साथ भारतवासियों की आंखें भी नम थी। यहाँ एक तरफ दिल्ली से लेकर देश के दूर दराज के इलाकों तक तिरंगा झंडा लहराया जा चुका था, लेकिन इसी बीच पता चला कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी इन सभी से दूर कलकत्ता में थे और वे आज़ादी के साथ हुए देश के इस बंटवारे और हिंदू मुस्लिम में चल रहे दंगों की वजह से काफी दुखी थे। इसलिए वह दंगों और लड़ाई की इन शर्तों पर मिली हुई आज़ादी से बिल्कुल दूर रहे। फिर आज़ादी की पहली सुबह ही महात्मा गांधी जी ने अपना उपवास शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस के कई नेता उन्हें मनाने के लिए और दिल्ली लाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने सभी को वापस मोड़ दिया। ऐसा भी कहा गया है कि जब देश के विभाजन की योजना की बैठक हुई थी तो महात्मा गांधी जी ने शिकायत करते हुए कहा था कि उन्हें बंटवारे के बारे में सही तरह से जानकारी नहीं दी गई। इसके जवाब में नेहरू जी ने उनकी बात काटते हुए यह जवाब दिया था कि उन्होंने सभी को बराबर जानकारी दी थी, जिससे कि आज़ादी मिलने से पहले ही नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के बीच का मतभेद सबके सामने आने लगा। और इसी वजह से महात्मा गांधी जी देश में फैल रहे हिंदू मुस्लिम के विवादों से काफी दुखी थे। जब देश में फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जंग लड़नी शुरू की तो अंग्रेजों को पता चल गया था कि इस देश में अब लंबे समय तक शासन करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने पहले से ही भारत को धर्म और जातियों के नाम पर बांटने का अपना प्लान तैयार कर लिया और फिर हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे कराकर उन्होंने अपने इस प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिर 1940 में लाहौर में हुई मुस्लिम लीग सम्मेलन में यह साफ तौर पर कह दिया गया कि वह दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। फिर अगस्त 1946 यानी कि आज़ादी से ठीक एक साल पहले कलकत्ता में भीषण दंगे किए गए, जिसमें कि 5,000 के करीब लोग मारे गए और काफी सारे लोग घायल भी हो गए। लेकिन यह सभी तो बस बंटवारे के समय होने वाले कत्लेआम की बस एक शुरुआत थी। ऐसे माहौल में नेताओं के ऊपर यह दबाव पड़ने लगा कि वह इस बंटवारे की मांग को स्वीकार करें, नहीं तो देश को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद से यह तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को मिलने वाली आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बना दिए जाएंगे। इस बंटवारे की घोषणा मिलते ही पूरे देश का माहौल ही बदल गया। एक तरफ यहाँ लोगों की आंखों में इतनी मुश्किल से मिली हुई आज़ादी की खुशी थी, वहीं बंटवारे को लेकर दुख भी था और सभी यह जानने में लगे हुए थे कि कौन सा क्षेत्र भारत में आएगा और कौन सा पाकिस्तान में, जिसके चलते कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर अपने परिवारों के साथ बॉर्डर्स को क्रॉस करने लगे। पाकिस्तान में ट्रेनों में लाद कर हिंदू और सिखों को भारत में भेजा जा रहा था और इस तरह से सालों में अपने घरों में रह रहे लोगों को महज कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। कहने को तो उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन बंटवारे का वह दुख जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी,
ना जाने कितने ही लोगों को अपने घरों और परिवारों को छोड़कर जाना पड़ा। जिन लोगों ने उस समय के हालातों को देखा था, उन्हें आज भी उस दिन के दर्द का एहसास है। आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारत और पाकिस्तान में होने वाले इस बंटवारे को रोका जा सकता था? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।